बज गए अलार्म, सवेर हो गई, काम छुट्टे जाना ही जे देर हो गई, चल मेरा पुत उठ, चल मेरा पुत उठ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ना आज कोई अलार्म नहीं बजा, मैं सोई ही नहीं, सैरी करके कपड़े धोने थे तो मैं सैरी करते ही ऊपर चली गई, और तकरीबन 4:45 मैंने ना मशीन स्टार्ट कर दी थी, और बड़ी प्यारी सुबह थी, बड़ी प्यारी परिंदों की आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से क्यों ना इतनी प्यारी सुबह शेयर करूँ। और बहुत प्यारी सुबह थी, कपड़े धो के नीचे आई तो बच्चों को उठाया और बच्चों को मैंने तैयार करके स्कूल भेज दिया, और उसके बाद सारे घर की मैंने सफाई की, और सफाई करने के बाद मैंने ना कुकिंग स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे मीठा बना रही हूँ, और मीठे में बना रही हूँ मैं शीर खोरमा। और हमारे घरों में ना ईद के पहले दिन यही वाला मेन्यू चलता है, शीर खोरमा बनता है और मटन कोरमा बनता है, ठीक है? तो आज पुप्पा जी ने मेरी तरफ आना था, तो मैं उनकी पसंद का ही खाना बनाऊँगी, और वो ये दो चीज़ें ही खाते हैं ज़्यादातर ना, तो मैं उनकी पसंद का ही बस बना रही हूँ। मीठे में वो शीर कोरमा पसंद करते हैं, और खाने में वो मटन पसंद करते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं मटन का कोरमा बना लेती हूँ, और साथ उस्मान फ्रूट वगैरह ले आएंगे जो वो खाते हैं, तो बड़ा मज़े का ना चलो सारा कुछ हो जाएगा। अच्छा, मैंने क्या किया था, सारे घर की सफाई करने के बाद ना खाना स्टार्ट कर दिया था बनाना, और सेवियाँ मैंने कहा पहले मैं रख देती हूँ ताकि ये बन जाएंगी, तो इसको मैं फ्रीज़र में रखूँगी, जल्दी जल्दी से ठंडी हो जाएंगी। और बच्चे भी अब स्कूल से आ गए हैं तो वो LED देख रहे हैं, और मैं साथ कुकिंग कर रही हूँ। और ईद पे आप लोगों ने ना ये वाला मटन कोरमा बनाना है, बहुत मज़े का बनता है, मैं आप लोगों को पूरी मटन कोरमे की रेसिपी दूंगी, और बहुत मज़े का बनता है, बहुत डिफरेंट बनता है, और खाने में बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो चलें जी जल्दी से हम लोग करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, यहाँ देखिए शीर कोरमे की रेसिपी मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं दी क्योंकि हर बंदे को शीर कोरमा बनाना आता है, कोई सेवियाँ पहले भून के तो फिर दूध ऐड करते हैं, और कोई क्या करता है डायरेक्ट दूध में ही सेवियाँ ऐड कर देते हैं, और दोनों तरह का बहुत मज़े का बनता है, और मैं दोनों तरह का ही बना लेती हूँ। तो बस ये है कि आज मुझे जल्दी थी तो मैंने जल्दी जल्दी से बस रख दिया, और मैंने इसकी रेसिपी नहीं शूट की, ठीक है? और ये है कि मलाई ज़रा ज़्यादा अगर डाल दी जाए, कोई भी जब हम मीठा बनाते हैं, कोई खीर बनाते हैं, कोई सेवियाँ बनाते हैं, शीर कोरमा बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो अगर मलाई ज़रा डाल दें तो ज़्यादा मज़े का बन जाता है। अच्छा जी, मैंने क्या किया, शीर कोरमे को दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर दिया है, और इधर मैं बनाने लगी हूँ मटन कोरमा, ठीक है ना? और मैंने सिर्फ दो प्याज लिए हैं, और इनको मैं रफली काट के ना तो वो मैं ऑयल में ऐड कर दूंगी। अच्छा जी, आजकल ना हम लोगों में इतना बड़ा चेंज आ गया है, और वो चेंज क्या है, पहले सादे वक्त थे, सादे दौर थे, तो हम लोग जब दूध में सेवियां बनाते थे, जिसको आजकल हम शीर खोरमा कहते हैं और बड़े मॉडर्न अंदाज़ में कहते हैं, तो पहले हम कहते थे दूध सेवियां पकाइयां ने, ठीक है? अब हम कहते हैं शीर खोरमा बनाया है, बात एक ही है लेकिन उसको बात करने का अंदाज़ बदल गया है। और पहले बहुत सादे वक्त थे, वो बहुत अच्छे लगते थे, कोई बनावट नहीं थी बात करने में, कुछ भी नहीं था, बड़ा मज़ा आता था। तब क्या हम लोग करते थे कि चिकन अगर हम बनाते थे तो हम सिंपल कह देते थे कि चिकन भुने आए, गोश्त भुने आए, ऐसे कभी है नहीं सी कि आके चिकन कढ़ाई बनाइए, मटन कढ़ाई बनाइए, चिकन वाले राइस बनाने थे, बस सिंपल कह देना चिकन वाले ना चावल बनाए, या बड़ी हद कहना थे चिकन वाला पुलाव बनाया, कभी नहीं सी क्या चिकन बिरयानी, फलानी बिरयानी, टमकानी बिरयानी, कभी नहीं सी क्या। अच्छा जी, यहाँ पे ना रेसिपी बहुत ज़्यादा आगे चली गई है, मैंने ना उसमें गरम मसाला सारा ऐड कर दिया है, क्योंकि उस्मान फ्रूट ले आए हैं तो मैं पहले इसको समेट लूँगी, फिर मैं आप लोगों को गरम मसाला बताती हूँ मैंने क्या क्या ऐड किया था। मैंने ना उसमें ऐड की हैं 2 सब्ज़ इलायची, 1 बड़ी इलायची, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, और उसके साथ साथ 6 से 7 काली मिर्चें साबुत, और 1 मैंने उसमें ऐड किया है जवत्री का फूल, और 4 से 5 उसमें लौंग, ठीक है? जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी मटन, और मटन ऐड करके सिर्फ इसको मिक्स करूंगी, 1 से 2 मिनट भी नहीं, बस इसको मिक्स करना है, ठीक है? और मिक्स करने के बाद इसमें सारे मसाले ऐड करती जाऊँगी, और बहुत मज़े का बनता है। और मैं क्या करती थी, पहले ना सिंपल मटन कढ़ाई बना लेती थी, लेकिन जब से मुझे ये रेसिपी मिली है, बहुत मज़े की रेसिपी है, और ये भी ना मैंने खुद ही रेसिपी बनाई है, ठीक है? मतलब इसको चेंज करके ना थोड़ा खुद ही, और बस इसमें मैंने क्या किया है, अब 2 टमाटर और लहसुन के 10 से 12 जवे वो ऐड कर दिए हैं, और अब मैं इसमें नमक, मिर्च और हल्दी, ये 3 मसाले सिर्फ ऐड करूँगी, और पानी ऐड करके इसको बंद कर दूँगी, और गोश्त को गला लूँगी, ठीक है? बहुत मज़े का ये मटन कोरमा बनता है, इस ईद पे आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। अगर तो आप लोग सिंपल बना के खाते हैं ना मटन,
तो बस फिर आप लोगों ने भी ये मॉडर्न सा मटन कोरमा बनाना है। और मैं ना इसमें लास्ट में आप लोगों को बताना भूल गई हूँ, मैंने इसमें केवड़ा एसेंस भी ऐड किया था, वो क्लिप शायद मुझसे मिस हो गया, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को अभी बता दूँ, ये ना हो कि वीडियो ख़त्म हो जाए और मैं फिर भूल जाऊँ आप लोगों को बताना कि मैंने इसमें केवड़ा एसेंस भी ऐड किया था। उसी से ही मज़ा आएगा, ठीक है। वो आप लोगों ने लाजमी इसमें एंड में ऐड करना है, जब आप लोग चूल्हा बंद कर दो तो बंद करने से कुछ एक डेढ़ मिनट पहले बस आप लोगों ने ऐड करना है, मिक्स करना है और चूल्हा बंद कर देना है। अच्छा, ये देखिए गोश्त अब गल गया है, तो टमाटर के छिलके मैं ऊपर से इस तरह से आराम से उतार लूँगी, कितने आराम से उतर जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे टमाटर काट के ऐड करते हैं, वो मुँह में आते हैं, देखने में अच्छे नहीं लगते, तो मैं तो इस तरह से बस बड़े बड़े पीस काट के ऐड करती हूँ। और पक कितनी जल्दी जाती है हांडी, तो भूनती जाना है। और ये देख लें आप लोगों को, अब ना तो इसमें टमाटर नज़र आ रहे हैं, ना इसमें आप लोगों को लहसुन नज़र आ रहे हैं, हर चीज़ की पेस्ट बन गई है, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से भूनना है, यहाँ तक कि ऑयल अलग हो जाए। अगर तो पानी है तो आप लोग इसको थोड़ा सा निकाल लें, अगर पानी नहीं है तो आप लोग इसी तरह से बस भूनते जाएँ, और बहुत मज़े का मटन कोरमा रेडी हो जाएगा। और अब माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें, कितना मज़े का ये मटन कोरमा लग रहा है। जितना मज़े का ये लग रहा है ना, इतना ही मज़े का ये पका भी था। और आप लोगों ने केवड़ा एसेंस ज़रूर डालना है, और उसके ना चंद ड्रॉप डालने हैं आप लोगों ने, क्योंकि उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो इसलिए आप लोगों ने बहुत थोड़ा सा ही पहले डालना है, चेक कर लीजिएगा, उसके बाद दोबारा डाल लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ना बस अफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो मैं साथ साथ जल्दी जल्दी से रोटियाँ बना लूँगी, और शीर कोरमा बना के वो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि वो जल्दी से अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स शीर कोरमे के ऊपर, कोरमे के ऊपर नहीं, शीर कोरमे के ऊपर। अच्छा जी, अब ये देखिए शीर कोरमे को बना के ना तो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, कितनी अच्छी तरह से ये सेट हो गया है और बहुत ठंडा हो गया। और बहुत मज़ा आता है ना जब मीठा ठंडा हो, तो बस मैं इसके ऊपर ना बादाम काट के ऐड कर दूँगी और साथ फ्रूट कॉकटेल ऐड कर दूँगी इसके ऊपर डाल के। ये आप लोगों की अपनी चॉइस है कि आप लोग कौन कौन से इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट डालते हो, बहुत मज़ा आता है अगर हम इसके ऊपर फ्रूट कॉकटेल डालते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, मैं यहाँ पर फ्रूट कॉकटेल इसके ऊपर ऐड कर दूँगी, और बस ईद वाला मेन्यू रेडी हो गया है। और हमारे घर तो पहले दिन यही वाला मेन्यू चलता है, शीर कोरमा बनता है, और शीर कोरमा तो लाजमी बनता है, ये तो मस्ट है। इसके साथ कोई और मीठे उस्मान कहते जितने मर्ज़ी बना लो, लेकिन हमारे घर में शीर कोरमा ज़रूर बनेगा, तो शीर कोरमा तो ज़रूर बनता है और उसके साथ मटन भी ज़रूर बनता है, तो बस यही वाला मेन्यू चलता है ईद के पहले दिन हमारे घर तो। और अच्छा जी, अब हमने खाना खा लिया, सारे बर्तन धुल गए हैं, किचन के काम ख़त्म हो गए हैं, और जी रात का टाइम है, तो मैंने कहा चलें जी अब हम काटते हैं तरबूज़। और मैंने ना जब तरबूज उस्मान लेकर आए थे तो इसको फ़ौरन धो के तो फ्रीज़र में रख दिया था, और बहुत ठंडा तरबूज हो गया, तो बस इसको काटते हैं। और बहुत अच्छा तरबूज निकला था, बहुत रेड निकला था, बहुत प्यारा लग रहा था देखने में। तो बस यहीं तक था मेरा छोटा सा और बहुत प्यारा सा व्लॉग, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।